पहले से इतने सारे फैक्टर्स है जिससे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है, ऊपर से अगर फीस हाइक हुई तो और कम हो जाएगा पार्टिसिपेशन। ये जो फी हाइक है इसका इन जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत गहरा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस ड्राफ्ट में पीडब्ल्यूडी को किसी भी तरह से उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है, तो इसका मतलब इन जनरल जो फी हाइक जो होगा वो सभी पे इम्प्लीमेंट होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि 0.31% पर्सन विद डिसेबिलिटी हायर एजुकेशन का पार्ट हैं। वो हायर एजुकेशन में हम स्कॉलरशिप्स और इधर उधर से सोर्सेस लगा के पढ़ते हैं, उसमें भी अगर 5 से 10 गुना अगर फीस बढ़ गया तो 1 से 2 लाख रुपए साल का हम लोग नहीं पे कर पाएंगे। इवन अगर आप मेरा ही ले लें तो मुझे अगले सेमेस्टर में ही अगर फीस बढ़ जाती है तो मुझे अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते। मान लो अगर कोई पीएचडी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने 4 साल या 3 साल की ज़िंदगी आगे की कैसे जिएगा। इकोनॉमिकली मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ हैविंग मास्टर्स, तो मेरा सफ़र बहुत मुश्किल ज़रूर रहा है। हालांकि पापा सपोर्ट करते हैं पर मुझे उनके सपोर्ट को भी समझना पड़ेगा, मैं उनसे लिमिटेड ही सपोर्ट ले सकता हूँ। फीस जो हाइक होने वाली है बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, और इसीलिए अगर एक बार ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया जो नया ड्राफ्ट आया है फी हाइक को लेके, तो इससे बहुत दिक्कत होने वाली है एजुकेशन। एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो नंबर है हायर एजुकेशन में बहुत कम है, और ऊपर से अगर ये फीस हाइक का जो ये अगर लागू हुआ तो जो बहुत पहले से कम स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में उनके एजुकेशन को भी बहुत बड़ा इससे नुकसान होने वाला है मुझे लगता है। तो इसीलिए ये ना हो पाए इम्प्लीमेंट, ये ना आए, इसी को लेके हम विरोध कर रहे हैं अभी। बेसिकली मैं एमपी से यहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हूँ, और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो लेकिन हम लोग का ये मांग है, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते कि हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का दिक्कत सबसे बड़ा ये होता है कि उनके इक्विपमेंट इतने महंगे होते हैं कि अगर आप फीस बढ़ा देंगे तो वो अपने इक्विपमेंट की ओर ध्यान दें जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको, या फिर हम फीस भरने की ओर ध्यान दें। तो अगर इन दोनों में अगर हम फंस जाएंगे, क्योंकि वो जनरल शॉप्स पे मिलते नहीं हैं उनके इक्विपमेंट, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों में अगर फंसे तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि ना तो हम कुछ खरीद सकते हैं ना हम कुछ पहन सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये फीस भी भरनी पड़े तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त पढ़ नहीं सकते, आधे से ज़्यादा दोस्त यानी 99.9%, 1% है जो पढ़ सकते हैं, और जिनके घर की बैकग्राउंड अच्छी भी होती है, मैं आपको ये बहुत स्पेशली कह रहा हूँ कि जिनकी घर की बैकग्राउंड अच्छी भी होती है, अगर वो ब्लाइंड हो गए गलती से तो उनके घर वाले अधिकतर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो समस्या यहाँ पर भी है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षा, तो मैं ये कहता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और सरकार इस बात को कहती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में जो बैठे ये लोग हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाता। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को एजुकेशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। जो ऑलरेडी महंगा है वो अगर और महंगा हो गया तो हम ना इधर के ना उधर के हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि पीडब्ल्यूडी को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई है नहीं। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और हमारा फंडामेंटल राइट के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, जबकि संविधान हमें कहता है कि आप फंडामेंटल राइट के लिए आप लड़ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। आपने देखा हमारे जो दोस्त लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर किस तरह से लोगों को धक्का मुक्की हो रही है, किस तरह से उनको वो किया जा रहा है। तो हम लोग का यही कहना है कि देखिए आप कुछ भी करिए, लेकिन जो आप हमारी सरकार के जो बड़े हैं चाहे प्रधानमंत्री जी हैं या कोई भी हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम शिक्षा फ्री कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन आपको है तो आप फिर हमारे लिए दीजिए ना। वो कहते हैं हम रिसर्च डेवलप कर रहे हैं, हम रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हैं। उन्हें मेरे को याद है उनकी रिसेंटली स्पीच भी, उन्होंने ये कहा था कि हम रिसर्च के लिए और पैसा बढ़ा रहे हैं हमने, लेकिन फंड इतना कट हो चुका है कि ना तो अब कुछ भी। अब सरकार ये लोग ये कहते हैं कि अगर हम आपकी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे तो हम यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी, तो यूनिवर्सिटी अगर बंद कर देंगे तो सारे ही लोगों को नुकसान है, तो सिर्फ नुकसान हमें ही नहीं है इसमें। फंड कट का मुझे स्ट्रॉन्ग इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो लैपटॉप्स हैं वो बहुत पुराने हैं, और आप ये समझ सकते हैं लैपटॉप की, एक लैपटॉप की जो लाइफ होती है वो 3 साल मैक्स आप कह सकते हैं वो होती है।
तो यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ 5 साल पुराना और उसकी स्क्रीन किसी वजह से ख़त्म हो गई। अभी मुझे 2 सप्ताह बाद पता चल रहा है जब किसी ने देखा कि भाई आपकी तो स्क्रीन ही नहीं आ रही है। अब वो स्क्रीन लेकर जब मैं उनके पास जाऊँगा तो वो मुझे बोलते हैं कि या तो आप इसको रिपेयर कराइए और उसका बिल दीजिए अप्रोप्रिएट, या फिर हमें पैसा दीजिए हम रिपेयर कराएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे है कि इवन दो एंजल्स या कोई भी चीज़ ऐसी, नए लैपटॉप्स तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो जो पुराने लैपटॉप्स हैं ऑब्वियसली उनमें प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो। अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसका पैसा वो हमसे मांगते हैं, इसके लिए हमें बहुत लड़ना भी पड़ता है और बहुत लोगों ने पैसा दिया भी मजबूरी में क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो फीस हाइक के अलावा भी एक बड़ा मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन, जिसके लिए हम लास्ट ईयर हम लोग लड़के केस जीते हैं एमफिल पीएचडी में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का, हमारा जेएनयू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट फोरम ने लड़ाई किया उसके लिए, हम लोग वो केस जीते। उस केस जीतने के कारण दूसरे सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी को मजबूर होकर 2 या 3 स्टूडेंट का एडमिशन लेना पड़ा एमफिल और पीएचडी में, और अभी भी हमारा रिजर्वेशन का इशू पेंडिंग है। हम ये नहीं जानते हैं कि अभी जो ड्राफ्ट आया उन्होंने, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं, हमने वो ड्राफ्ट पढ़ा है, लेकिन जो ड्राफ्ट आया है उसमें हॉस्टल के रिजर्वेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, यानी कि वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी हॉस्टल्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटाइज नहीं है, यानी कि हमें कुछ लिमिटेड हॉस्टल दिए जाते हैं। रीज़न इसके 2 मेन मान सकते हैं, एक तो चलो ठीक है कि सारी चीज़ें आसपास है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि यूनिवर्सिटी का ये बड़ा फेलियर है कि यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल नहीं है। तो पहले से ही हम लोग ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, 3 हॉस्टल में लिमिटेड हैं, उसमें भी अब अगर ऐसा सिस्टम वो ला के उसको रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जेएनयू के जो कॉमन स्टूडेंट का स्ट्रगल है हम उसके साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। अगर वो लाठी खाएंगे तो हम भी 4 लाठी खाएंगे, हम उनके साथ हैं इस प्रोटेस्ट में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और लड़ेंगे, और वी आर विद सॉलिडैरिटी और सपोर्ट दोनों हम उनके साथ हैं।